जी हाँ, आपको बता दें, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आज गोरखपुर के पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राजघाट थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें मुकदमा आख्या संख्या 9/2023 धारा 420 479 भारतीय दंड संहिता से संबंधित धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त विजय यादव पुत्र मतलाल निवासी कानपुर, दूसरा फैज खान पुत्र अयूब खान निवासी गुलरिया थाना पिपराय जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 71,000 रुपया नगद, 10 एटीएम, 2 एप्पल फोन व 1 चार पहिया वाहन ब्रेजा व 1 दो पहिया वाहन एचएफ डिलक्स बरामद किया गया है। इन अभियुक्तों को गोरखनाथ के पास से गिरफ्तार किया गया है, की जानकारी एसपी सिटी ने गोरखपुर पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान दी। आइए जानते हैं क्या कहना है एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई। जनपद गोरखपुर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक एटीएम फ्रॉड करने वाली एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो कि एसबीआई बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इसमें फैज नाम का एक व्यक्ति और एक विजय यादव नाम के दो लोग हैं जो कि इंजीनियर हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक कंप्यूटर साइंस से पढ़ा लिखा है। ये दोनों लोग एटीएम एक्सिस बैंक का एटीएम यूज करते थे और एसबीआई बैंक की वो टेलर मशीन जिसके अंदर पैसा डिपॉजिट भी कराया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, उसमें से पहले अपने दोस्तों के माध्यम से उनका अकाउंट खुलवाते थे, उनको 2,500 रुपये देते थे और उसके बाद में उसी एटीएम को यूज करके उसके खाते में पैसे डलवा के क्रेडिट करते थे और उसको फिर डेबिट करने के लिए इस तरह की मशीन पे जाते थे और 10,000 रुपये का पर ट्रांसैक्शन करते थे और उसके बाद में वो पैसा निकाल जब ट्रांसैक्शन हो जाता था तब उसको पैसे को ले लेते थे और धीरे से जो स्लाइडिंग डोर है उसको धीरे से बंद करते थे उसी स्कीम के तहत, जिससे कि मशीन में ये ट्रांसैक्शन में ये नहीं हो पाता था कि पैसा डिलीवर हुआ है, बैंक को ये मैसेज चला जाता था कि पैसा नहीं डिलीवर हुआ है। उसके बेसिस पे बाद में कस्टमर केयर से वही अमाउंट जो निकाला गया है उसको वो रिक्लेम करते थे। इस तरीके से उन्होंने टोटल 5,99,000 रुपये का फ्रॉड एसबीआई बैंक के साथ अभी तक किया है। इसमें उन्होंने बेतियाहता से 1,69,000, राजेंद्र नगर से 1,80,000, हरबट बंदा से 1,80,000, जीरो पॉइंट कालेसर से 20,000 और कानपुर से भी इन्होंने पैसे निकाले हैं। तीसरा व्यक्ति जिसने इनको इस स्कीम की जानकारी दी, उदय नाम का, वो अभी भी फरार है, पुलिस उसकी गिरफ्त करेगी और उसके बाद में इन सभी लोगों पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर इनकी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनके पास से अभी तक एक ब्रेजा गाड़ी, एक एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल, 71,000 रुपये और 10 एटीएम विभिन्न बैंकों के और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बैंक को कैसे पता चला कि ये ट्रांसफर? बैंक को जब बार बार इस तरह के ट्रांसैक्शन होने लगे और तब बैंक ने एटीएम के माध्यम से पता किया, तब उनको कैमरे के माध्यम से पता चला कि इस तरह का फ्रॉड होता है। उन्होंने चौकी टीपी नगर पे और थाना राजघाट पे सूचना दी, इसी के तहत फिर चौकी प्रभारी एवं थाना राजघाट द्वारा तुरंत इसमें एक्शन में आए और उन्होंने विस्तृत रूप से इसकी जांच की और इतने अच्छे खुलासे के लिए थाना राजघाट की टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है। सर, कितने दोस्तों को टारगेट किया था और क्या उन दोस्तों को इस बात का इल्म नहीं था कि मतलब हमारे एटीएम का गलत इस्तेमाल होने जा रहा है? इसकी भी पूछताछ की जाएगी और इसकी जानकारी आपको दी जाएगी।